ये तो हम सबको अच्छे अच्छे से पता है कि जब भी हम GTA 5 से रिलेटेड मोबाइल के लिए गेम ढूंढने निकल जाते हैं YouTube में और सर्च करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है, ओ हो हो क्या बताएं, कभी कभी तो मन से निकल ही जाता है। हमको पागल बना रहे। हालांकि GTA गेम को मोबाइल में जरूर खेल सकते हैं, जैसे कि GTA Vice City, GTA San Andreas, लेकिन वो गेम्स पेड है। ऑब्वियसली आपने कभी ना कभी तो उन गेम्स को खेला होगा फ्री में भी, समझ रहे हो? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। लेकिन हमें तो चाहिए GTA 5 अपने मोबाइल डिवाइस में। ऑफिशियल गेम तो रिलीज होगा या फिर नहीं, उसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। शायद उसका चांसेस अभी के लिए तो बहुत ही कम है, लेकिन अगर मैं कहूँ बहुत ही जल्दी उसी के जैसा गेम जो है मोबाइल डिवाइस में रिलीज होने वाला है, तो क्या आप यकीन करोगे? कुछ भी नहीं यार, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, हबे में हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक गेम जरूर अनाउंस हो चुका है जिसका नाम है न्यू RP, जो बहुत हद तक GTA 5 जैसा होगा। अगर आप सबने हमारा प्रीवियस अपडेट वीडियो देखा होगा तो इस गेम के बारे में थोड़ा बहुत आपको हिंट दिए थे और कमेंट करने बोले थे, यानी रिक्वेस्ट करने बोले थे कि इस गेम के बारे में आपको अच्छे से जानना है तो भर भर के कमेंट करो। और देखो आप सभी की तरफ से अच्छा सपोर्ट भी मिला, उसी के रिजल्ट पे ये वीडियो आप सबके लिए लाए हैं जिसपे हम इस गेम के बारे में सर से लेके पैर तक डिस्कस करने वाले हैं। और आखिर में ये भी तो पता चलेगा कि इस गेम को रजिस्टर कैसे करना है और इसका रिलीज डेट कब है, जानना है ना? नहीं। तो इंट्रो को और लंबा ना बनाते हुए सीधे हम डुबकी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट यार, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो आने वाले इसी तरह से इंटरेस्टिंग गेमिंग अपडेट वीडियोस देखने के लिए। तो करना। तो न्यू RP बेसिकली एक ओपन वर्ल्ड ऑनलाइन रोल प्लेइंग कैटेगरी का मोबाइल गेम होगा जो बहुत हद तक GTA से इंस्पायर्ड है, और ये गेम रिलीज होने वाला है एंड्रॉइड और iOS के लिए भी। जी हाँ, दोनों के लिए रिलीज करने वाले हैं। गेम में आपको अलग अलग कैरेक्टर्स मिलेंगे, उसे आप यूज करके खेल पाओगे और साथ में उनको यूज करके मिशन और टास्क वगैरह भी कंप्लीट कर सकते हो, जैसे हम GTA 5 में भी करते हैं। अभी तो इस गेम के बारे में ज्यादा सबको कुछ नहीं पता है, लेकिन आपका भाई बहुत ज्यादा डीपली रिसर्च किया है, उसके बाद जाके ये सब फीचर्स आपके लिए लाए हैं। सबसे पहले अगर आप इस गेम में कार यूज करते हो तो उसके लिए आपको रेडियो का भी फीचर्स मिल जाता है, जैसे हम GTA Vice City, यानी जितने भी सारे GTA गेम्स खेलते हैं जब भी हम कार के अंदर जाते हैं तो डिकचक बजने लगता है। तो इसमें आपको शायद अभी के लिए 3 रेडियो स्टेशन मिल जाते हैं, जो भी आपको पसंद है स्विच करके सुन सकते हो कार वगैरह ड्राइव करते हुए। अभी ये गेम अंडर डेवलपमेंट में है तो बहुत सारे फीचर्स ग्लोबल लॉन्च के बाद ऐड करेंगे। कौन कौन से फीचर्स होंगे ये तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा, लेकिन अभी से ही गेम प्ले देखने के बाद तो यार कमाल का ही लग रहा है। मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है कि इस टाइप का गेम मोबाइल डिवाइस में भी रिलीज हो सकता है। और गेम से रिलेटेड बहुत सारे उनसे क्वेश्चन पूछा गया था और उसका आंसर उन्होंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के प्रोवाइड किए हैं, अगर आपको उस वीडियो को देखना है जाके देख सकते हो, लेकिन आपका भाई आया है ना अच्छे से हिंदी में समझा देगा। तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लेयर इसमें अपना मल्टीपल कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं एक ही अकाउंट में। साथ में डेवलपर इस गेम को डेवलप कर रहे हैं मॉडर्न टेक में और फोकस करेंगे रियल फिजिक्स, डैमेज और गेम को ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज करने की बहुत सारे डिवाइस में, ताकि गेम प्ले में कुछ भी इफेक्ट ना हो जब भी आप इस गेम को खेलोगे। तो शायद हो सकता है 60 या फिर 90 FPS का भी सपोर्ट इसमें प्रोवाइड किया जाए। गेम रिलीज होगा जैसे कि आपको शुरुआत में बताएं एंड्रॉइड और iOS में, दोनों का डेट सिमिलर हो सकता है जब भी ये गेम रिलीज होगा। जरूर उनका कहना है कि iOS अगर यूज करते हो उस गेम को खेलने की सोच रहे हो तो 1-3 दिन का गैप जरूर हो सकता है एंड्रॉइड से, यानी एंड्रॉइड डिवाइस यूजर इस गेम को पहले खेल पाएंगे और बाद में 1-2 दिन बाद ही iOS डिवाइस में भी इस गेम को रिलीज कर देंगे। लेकिन उनका फोकस रहेगा दोनों में ही एक साथ रिलीज करें। गेम को ज्यादा से ज्यादा डिवाइसों के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी शायद आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अभी अगर आप चेक करना चाहते हो कि ये गेम आपके डिवाइस में सपोर्ट करेगा या फिर नहीं, तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपका प्रोसेसर और रैम कितना है सेट करके चेक कर सकते हो, और इनके वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा। और वहीं से और एक काम भी कर सकते हो जो हम कुछ देर पे बात करेंगे। गेम में आपको मिलेगा फैक्शन, बिजनेस, हाउस, जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली जैसे हम GTA में करते हैं सब कुछ इसमें भी करने का मौका मिलेगा।
और गेम का प्री रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है ऑब्वियसली अर्ली एक्सेस के लिए। तो रजिस्टर करने के लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। अगर आप iOS डिवाइस यूज करते हो तो iOS डिवाइस को सिलेक्ट करके अपना नेम और ईमेल एड्रेस फिल करो और सबमिट कर दो। अगर आप एंड्रॉइड डिवाइस यूज करते हो तो सेम प्रोसेस है, नाम अपना और एक्यूरेट ईमेल एड्रेस सबमिट कर देना। देन जब भी ये अर्ली एक्सेस रिलीज करेंगे, इनवाइट सिस्टम है, मतलब जिनको भी इनवाइट मिलेगा वही खेल पाएंगी अर्ली एक्सेस। और बताया जा रहा है कि ये जो अर्ली एक्सेस है समर के एंड में रिलीज हो सकता है। एक्चुअल डेट तो उन्होंने अनाउंस नहीं किए, लेकिन बहुत ही जल्दी ये हमें खेलने को मिलेगा अगर हम सब लकी होते हैं तो। साथ में अलग अलग क्विस्ट भी इस गेम में होगा अर्ली एक्सेस में, उसे भी हम कम्प्लीट कर पाएंगे ताकि गेम को हम अच्छे से समझ पाए। अभी के लिए ग्लोबल रिलीज डेट को अनाउंस तो नहीं किए हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारे टेस्ट किए जाएंगे, क्लोज बीटा टेस्ट, ओपन बीटा टेस्ट, उसके बाद ही जाके ये ग्लोबल रिलीज डेट को अनाउंस करेंगे। तो इससे लगता है कि गेम इस साल तो रिलीज होने नहीं वाला, तो 2024 तक हमें इस गेम को खेलने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और ट्रेलर देख के तो यार बहुत ही कमाल का ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि GTA 5 को आप अपने मोबाइल डिवाइस में खेल पाएंगे। और जैसे डेवलपर ने फीचर्स बताए अगर वो सब ऐड कर देते हैं तो यार बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। मैं इस गेम को खेलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, सिर्फ वेट है इसके अर्ली एक्सेस का। मैं तो रजिस्टर कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं किया अभी तक तो जाओ इनके ऑफिशियल वेबसाइट में रजिस्टर कर लो। अगर मुझे अर्ली एक्सेस मिल जाता है तो उसका गेम प्ले तो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। तो करो यार सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उनको भी तो पता चले GTA 5 बहुत ही जल्दी मोबाइल डिवाइस में रिलीज हो सकता है। हालांकि GTA 5 तो नहीं, न्यू RP गेम। तो तब तक के लिए हम सबको तो एक ही काम करना है, वो है इंतजार। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्रिएशन फाइनेंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को